हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जोश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है निफ्टी के द्वारा कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने जो आपको ऑनलाइन के सभी मेथड के बारे में जो है डीप से बताया था कि कैसे जो आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड और उसका पिन इन सब की जो है यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको जो है एक सेपरेट वीडियो में हमने जो है इंटरनेट बैंकिंग का जो है पेमेंट करके लाइव आपको जो है दिखाया था। तो फ्रेंड्स, यदि आपने उन दोनों वीडियोस को यदि मिस कर दिया है तो फ्रेंड्स इन दोनों की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। साथ में वीडियो के लास्ट होने पर भी इसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जहां तक फ्रेंड्स हमारा मानना है कि मैंने जो इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज करके इनको पेमेंट किया और निफ्टी के द्वारा भी, तो मुझे जो है कहीं काफी आसान जो है लगा कि निफ्टी के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी से। इंटरनेट बैंकिंग में थोड़ा जो है आपको पासवर्ड वगैरह का जो है टेंशन रहता है, लेकिन निफ्टी में आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। साथ में फ्रेंड्स, आप यदि एक बार उनको ऐड कर लेते हैं अपने ऐप्स में तो बार बार जो है ऐड करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोश। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के द्वारा जो है लाइव पेमेंट देखने से पहले जो है आपको जरूरी है कि इसकी कुछ बेसिक चीजों को जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी जो है हम निफ्टी के द्वारा पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले जरूरी होता है कि आप अपने जो है बिलर को जो है एड पेई के रूप में जो है अपने अकाउंट में पहले से ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐड कैसे करते हैं उसके लिए हर एक बैंक का जो है अलग अलग जो है सिस्टम होता है, अलग अलग जो है क्रिटेरिया होता है। तो आपको जो है जब भी आप अपने बैंक में जाएंगे, बैंक का जो आपका ऐप्स है उसमें जाएंगे तो वहाँ पे ऐड पेई का एक ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके केस में आपका जो है बैंक अलग हो, चूँकि हमने जो है ICICI बैंक के द्वारा जो इनको पेमेंट किया है, तो चूँकि हमारा अकाउंट ICICI बैंक में है, हो सकता है कि आपका OBC में हो या फिर किसी और भी बैंक में हो, तो पहले जो है आप उनको ऐड पेई के रूप में ऐड कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि चाहे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, किसी भी बैंक से आप इनको ऐड पे के रूप में ऐड करना चाह रहे हो, जो उनकी जो डिटेल है वो लगभग सेम ही है, यानी कि उनके तरफ से जो डिटेल आपसे जो पूछी जाएगी इसको ऐड करने के लिए वो डिटेल सभी सेम ही है। तो मैं आपको यहां पर जो उन सभी की जो है डिटेल बता देता हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। फिर भी यदि आपको ऐड पे के रूप में ऐड करने में दिक्कत हो रही हो तो आप जो है YouTube पे बहुत सारी जो आपको वीडियोस मिल जाएंगी आपके बैंक से रिलेटेड, तो आप जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यदि OBC में करना चाहते हो तो आप जो है सर्च कर सकते हैं YouTube पे कि हाउ टू ऐड पे इन OBC बैंक, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप उनका देख लीजिए कि किस तरह से किसी भी पार्टी को ऐड करते हैं, उसके बाद जो है आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको वो डिटेल जो है शेयर कर देता हूं कि यदि आप ऐड करने के लिए जाएंगे तो वो डिटेल क्या क्या पूछी जाएंगी और आपको क्या क्या डालना है। तो फ्रेंड्स, हमारा यह जो है स्ट्रक्चर जो है वो ICICI बैंक का है। तो यदि आप ICICI के कस्टमर हैं तब तो आपके लिए काफी आसान है, क्योंकि मैं लाइव आपको यहां दिखा दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप ऐड पे के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आपसे जो है सबसे ऊपर में जो है पूछा जाएगा अकाउंट नंबर। तो फ्रेंड्स, अकाउंट नंबर में जो है आपको आपके क्रेडिट कार्ड का जो 16 डिजिट का जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद हो सकता है कि आपसे पूछा जाए री इंटर अकाउंट नंबर, मतलब फिर से आपको वही जो है 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड का जो है नंबर डाल देना है अकाउंट नंबर वाले जगह पे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा IFSC कोड। तो फ्रेंड्स, IFSC कोड में जो है आपको डालना है RATN0CRCARD। इसको आप याद रखिएगा कि जो बीच में जो आपको जो शून्य जो दिखाना उसको आपको ओ समझने की भूल नहीं करनी है, तो यहाँ आपको शून्य डालना है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगला जो है फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप में जो है फ्रेंड्स बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, किसी का सेविंग अकाउंट्स होता है, किसी का करंट अकाउंट्स होता है, लोन अकाउंट्स होता है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट होता है, कैश अकाउंट्स होता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है चूज करना है यहाँ पर कैश या फिर क्रेडिट कार्ड। उसके बाद का फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन पूछा जाएगा पेई डिटेल। पेई डिटेल में जो है आपसे उसका जो है नाम पूछा जाएगा और फिर नीचे आपको उसका निकनेम भी दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, नेम में आपको क्या डालना है, तो नेम में फ्रेंड्स आपको खुद का नाम डालना है। आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आपका क्या नाम दिया हुआ है उसको ही यहाँ कैपिटल अक्षरों में जो है भर देना है। निकनेम में क्या डालना है, तो फ्रेंड निकनेम में जो है आप कुछ भी ऐसा नाम डाल सकते हैं जिससे कि आपको इस कार्ड को जो आप जो ऐड कर रहे हैं उसको याद रखने में आसानी हो। जैसे कि आप रख सकते हैं RBL बैंक, बहुत ईजी आपके लिए पड़ेगा। हो सकता है फ्रेंड्स जब आप दूसरे किसी भी बैंक का जो ऐड कर रहे हो तो आपसे एड्रेस भी पूछा जाए, तो वहां जो है आपको डालना है इसका एड्रेस में NOC
गोरेगांव मुंबई। और बैंक नेम यदि आपसे पूछा जाए या फिर ऑटोमेटिक जैसे ही आप इन सभी डिटेल्स को डालेंगे, जैसे आईएफएससी कोड वगैरह आप डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके सामने जो है शो करने लगेगा कि यह जो है आरबीएल बैंक का अकाउंट है। इतना सब कुछ करने के बाद जो है फ्रेंड्स, आप नीचे जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो है आपके आपके एप्स का जो है पासवर्ड पूछा जाएगा, वो पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद जो है आपके फोन पर जो है एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद जो है आप सक्सेसफुली जो है इस बिलर को जो है अपने ऐड पे के रूप में ऐड कर पाएंगे। जब फ्रेंड्स ऐड हो जाएगा, उसके बाद जो है ये आपके जो है पे लिस्ट में ऑटोमेटिक शो होना चालू हो जाएगा विद इन 30 सेकंड के अंदर। जब फ्रेंड्स आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको आपके अपने जो है बैंक का ऐप्स उसको ओपन कर लेना है और वहां से पे लिस्ट में चले जाना है। कैसे जाना है तो मैं आपको जो है लाइव चल के जो है अपने मोबाइल पर दिखाता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जो है मैं अपना आई मोबाइल ऐप्स जो कि हमारा आईसीआईसी बैंक द्वारा जो दिया गया है उसको ओपन कर लेता हूं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको जो है नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेटमेंट, ऊपर जो है आपका जो आईसीआईसी बैंक का जो एक एटीएम कार्ड का जो फोटो जो बन के होगा आपको उसके ऊपर दिख रहा होगा, नीचे एक स्टेटमेंट जो है लिख कर है, तो आपको जो है सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह से जो आपका जो अकाउंट जो समरी होगा वह सब जो है दिखने लगेगा। तो फ्रेंड नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फंड ट्रांसफर, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स आप जो है फंड ट्रांसफर के पेज के ऊपर जो है पहुंच जाएंगे। तो हम जो है यहां से जो अपना जो फंड जो है हमारा जो अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसको हम जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि पेड करना चाहते हैं किसको, आरबीएल बैंक को। तो आपको जो है ट्रांसफर टू में जो है आपको जो इंटर पे या फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो यहाँ पर जो है हमने जो अपना जो आरबीएल बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स जो सेव करके रखा है वो यहाँ से जो है सर्च कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा नीचे जो है आरबीएल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड हमने जो सेव करके रखा था वो यहाँ शो हो रहा है। तो मैं जो है इसे सेलेक्ट कर लूँगा। आप देख सकते हैं सभी डिटेल जो हमारे कार्ड के आपके दिख रहे होंगे, हमारा नाम दिख रहा होगा, उसके बाद जो है वो जो कार्ड आपने जो सेलेक्ट किया वो किस बैंक का है वो शो हो रहा होगा, और उसका जो नंबर है यह सब जो है वहाँ शो हो रहा होगा। तो आपको जो है सिंपली जो है फ्रेंड्स आपको अमाउंट के रूप में जो आपका जो ड्यू अमाउंट है वो यहाँ पर डालने होंगे। तो चलिए हमारा जो है बैलेंस है 11,886 रुपीज़। तो मैं जो है 11,886 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करने जा रहा हूँ किसको, तो आरबीएल बैंक को, क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए रिमार्क्स आपको दिख रहा होगा, टाइप योर ओन ऑप्शनल है, आपको इसमें जो है रिमार्क जो है डालना है। तो इसमें आप देखेंगे आपको जो है ढेर सारे जो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि यह जो आप पेमेंट करना चाहते हैं वो किस रूप में, क्या है ये बिल पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, क्या है ये फ्रेंड्स को दे रहे हैं, फैमिली को दे रहे हैं। तो मैं जो है यहाँ जो है पेमेंट कर रहा हूँ किसको, क्रेडिट कार्ड को। तो आपको जो है ये नीचे का ऑप्शन चूज करना होगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे जो है दो तीन जो है ट्रांसफर की टाइप आपको दिखाई देगी, आईएमपीएस है, निफ्टी है, आरटीजीएस है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपको हमेशा जो है वो ये वाली जो ऑप्शन आपको दिख रही होगी निफ्टी NEFT वो वाली ऑप्शन जो है चूज करनी है, यानी कि फ्रेंड्स आपको जो है निफ्टी के द्वारा जो है पेमेंट करना है, ना कि आईएमपीएस के द्वारा और आरटीजीएस के द्वारा। तो मैंने जो है फ्रेंड्स इस समय जो है निफ्टी ऑप्शन जो है चूज कर लिया है। ऊपर आप देख सकते हैं कार्ड जो है चूज हो गया हमारा, क्रेडिट कार्ड का डिटेल ऑलरेडी जो मैंने सेव किया था उसे मैंने चूज कर लिया है, अमाउंट डाल दिया हूँ और रिमार्क में क्रेडिट कार्ड ऑप्शन डाल दिया हूँ, और ट्रांसफर टाइप में निफ्टी चूज कर लिया हूँ। और नीचे एक ऑप्शन दिख रहा हो कि ट्रांसफर, तो ट्रांसफर आप कब करना चाहते हैं, आज करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ही ट्रांसफर हो जाए, तो मैं ये जो है नाउ वाला ऑप्शन जो ऑलरेडी क्लिक है ऑलरेडी क्लिक ही रहने देता हूँ। और नीचे जो है फ्रेंड्स आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके नंबर शो हो रहे होंगे और उसमें जो बैलेंस अवेलेबल है वो जो है शो हो रहे होंगे, तो आपको जो है सिंपली स्क्रॉल करके ऊपर करना है। तो नीचे जो है फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड, तो आपको सिंपली उस प्रोसीड के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स यह जो है एक बार फिर से जो आपसे कॉन्फर्मेशन चाहेगा, यहाँ टोटल इसकी जो डिटेल जो है आपको जो है शो नहीं हो रही होगी, यहाँ जो है आपको पूरी इसकी डिटेल जो है फिर से शो हो रही होगी, आपके नाम जो है कार्ड पे वो शो रहा होगा, आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर आपने डाला है वो शो रहा होगा, अमाउंट वगैरह शो हो रहा होगा किसके लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, पेमेंट कब करना चाहते हैं, एक ही बार में अभी करना चाहते हैं। तो नीचे आपको जो है एक ऑप्शन आ रहा होगा कन्फर्म, तो आपको जो है फ्रेंड्स सिंपली इस कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक जो है 4 डिजिट का जो हमारा जो है पिन जो है पूछा जा रहा है, यह हमारे एप्स का जो है पिन है, यह यदि आपने सेट करके रखा है तो आपको वो वाली पिन जो है डालनी होगी। यह हमारा जो है
आईसीआईसी बैंक ऐप्स का जो है पिन है। तो नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र जो है सक्सेसफुली हो चुका है। इसकी पूरी डिटेल जो आप मोड देख सकते हैं निफ्टी है, रेफरेंस आईडी भी आपको जो है दिख रहा होगा। और चलिए सी डिटेल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है पेड टू अकाउंट आपको दिख रहा होगा, अमाउंट हमने कितना पेड किया यह सब जो है दिख रहा होगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मोबाइल में जो है हमारा बैंक से भी जो है मैसेज आ चुका है कि हमारे बैंक से जो है पैसे जो है कट हो गए हैं और वो जो है उसके पेमेंट में जो है ऐड हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही। चलिए अब मैं जो है अपने होम स्क्रीन पे बैक चले जाता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से हमने जो है निफ्टी के द्वारा अपने आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सक्सेसफुली कर लिया। फ्रेंड्स इनके तरफ से जो है सक्सेसफुली का मैसेज आने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो 2 से 3 घंटे के बाद जो है आपके मोबाइल पे जो है कुछ इस तरह से जो है कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। और फ्रेंड्स यदि आप अपने आरबीएल बैंक ऐप्स में यदि आप लॉग इन करेंगे तो वहां जो है अप टू डेट होने में कम से कम आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो वहां यदि आप अभी जस्ट यदि आप जो है स्वाइप करके जस्ट यदि ऑन करेंगे लॉग इन करके तो आपको वहां अभी भी जो है आपका जो है बिल पेंडिंग में ही दिखा रहा होगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 से 3 वर्किंग डेज के बाद जो है वो ऑटोमेटिक अप टू डेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है जिससे कि मैं इस तरह की वीडियोज आपके लिए बना पाता हूं। और फ्रेंड्स जल्दी मैं आपको जो है डेबिट कार्ड और उसका जो है पिन यूज करके किस तरह से आप इनको पेमेंट कर पाएंगे इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। और साथ में फ्रेंड्स यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए।